Hello and welcome to No Holes Bad. I am Sheila Bhatt. I, my guest today is Bhartiya Janta Party President Amit Shah. It is a very special show, and Amit Shah, thank you so much for joining us. Amit Bhai, we have whole day travelled in Uttar Pradesh, and I think most of the people in Delhi and in the country believes that BJP and country's future will be decided by the outcome of Uttar Pradesh because of Mahagathbandhan. सो हाउ डू यू सी दैट ग्रेट चैलेंज मैं भी मानता हूँ कि देश की नई संसद का भविष्य उत्तर प्रदेश के चुनाव तय करेंगे परंतु अब महागठबंधन की थियोरी को पंद्रह साल पहले के चश्मे से देख रहे हैं एक समय था जब वोट बैंक के वोट बैंक नेता और जाति के आधार पर ट्रांसफर हुआ करती थी और दिल्ली के ड्रॉइंग रूम में बैठकर नेता वोट बैंक की उठापटक करते थे नरेंद्र मोदी जी के पाँच साल शासन करने के बाद ये चित्र के अंदर बदलाव आया है जातिवाद की पॉलिटिक्स, परिवारवाद की पॉलिटिक्स, त्रुष्टिकरण की पॉलिटिक्स के अंदर अब किसी को सफलता मिलने की गुंजाइश नहीं रही है तो दो नेताओं के दो दलों के मिलने से मतदाता अपना रूख बदल देंगे ऐसा मानना अब दक्यानुषी पॉलिटिक्स माना जाएगा और आप लोगों का जो ये आकलन है ये भी गलत सिद्ध होने वाला है एक बार तो हो चुका है मगर जल्दी कोई स्वीकार नहीं करता है जैसे विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो आप सब लोगों ने इतना परसेंट कांग्रेस का वोट था लोकसभा में इतना परसेंट सपा का था दोनों का मिलाओ तो 270 सीटें आएगी कुछ नहीं आए जी पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी में बहुत फर्क है ये गठबंधन सवाल इतना ही है कि अगर वोट बैंक ट्रांसफर की थियोरी एग्जिस्ट करती है हाँ। तो उस वक्त भी 270 सीट का तो गणित होता ही था परंतु वो ध्वस्त हो गई 325 सीटें बीजेपी की आई आप मानकर चलिए शिला जी की इस देश की राजनीति से और विशेष कर कर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति समाप्त हो गई है पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस की राजनीति का एरा शुरू हुआ है और अब एक जाति की सरकार आई तो एक जाति का कल्याण करेगी दूसरी जाति की सरकार आई तो दूसरी जाति की कल्याण करेगी ये चीज़ें बहुत पीछे छूट गई सभी जातियाँ ये सोच सोचती हैं कि एक ऐसी सरकार चाहिए जो सबका विकास करे अच्छा तो अमित भाई नेचुरल सवाल ये आता है कि अगर आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का जो एक प्रयोग हो रहा है वहाँ वो अगर इतना असरकारक नहीं है तो आप बताइए कि जब आपने ये 2019 इलेक्शन की शतरंज बिछाई थी तो आपने क्या स्ट्रेटेजी लाए थे नहीं हमारी कोई स्ट्रेटेज हमें हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं नहीं पर चुनाव इतना बड़ा लड़ रहे हैं आप जिस तरह से तो आपने भी अपना एक नरेटिव अपने एक डूस डूस एक सोचे नहीं, हम हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया में बड़ा सम्मान मिला है देश की सुरक्षा सुनिश्चित हुई देश के अर्थतंत्र में काफी सुधार हुआ है देश के पचास करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर सार्थक परिवर्तन हम लेकर आए हैं और देश के हर नागरिक में एक भरोसा हुआ है कि और पाँच साल अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश महाशक्ति बनने की दिशा में आगे जा सकता है पर हमने पांच इलेक्शन पांच फेज के इलेक्शन कैंपेन देखे उसमें ये जो आप कह रहे हैं वो बातें भी आप भाषण में बोलते हैं लेकिन ज्यादा तो राष्ट्रवाद पे ही आपका भाषण टिका हुआ तो है। राष्ट्रवाद तो मुद्दा है ही बहुत मुख्य मुद्दा हो हाँ गया तो मुख्य मुद्दा ही तो ये बालाकोट के पहले हुआ था तय या बाद में हमारी पार्टी के जन्म से हुआ है मगर आपके कानों तक ये पहुँचता नहीं है बालाकोट के धमाके ने आपके कान खोल दिए है अब सुना ही पड़ता है तो आपको लग रहा है वोटर्स भी सुन रहे हैं और बालाकोट के कारण आपको वोट दे भी रहे हैं पहले से सुन रहे हैं राम जन्म के आंदोलन से सुन रहे हैं मगर सुतुरमुर्ग की तरह अगर आप सर मिट्टी में डालोगे तो आपको नहीं सुनाई पड़ेगा अमित भाई पाँच साल हो गए हम आपको पाँच साल के बाद एक नई इलेक्शन कैंपेन में देख रहे हैं आपकी नज़र में पॉलिटिशियन की नज़र में बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में ये पाँच साल में सबसे बड़ा डिफरेंस इस देश में देश की राजनीति में क्या आया है जो देश के भविष्य पर असर करेगा मैंने कहा ना तीन नासूर हमारी देश की राजनीति को ग्रसित कर कर बैठे थे जातिवाद परिवारवाद और अपीसमेंट दृष्टिकरण ये तीनों नासूर का असर ना के बराबर रह कर रहेगा है रहे और पॉलिटिक्स अब परफॉर्मेंस के आधार पर होने लगी मैं मानता हूँ हमारी देश की लोकतंत्र के लिए ये बहुत चिन्ह है आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन चला और जिस तरह से पाँच साल से आपकी सरकार रही है दिल्ली में और देश में तो देश एक स्पष्ट बात हो गई है कि देर आर टू नेरेटिव इन द कंट्री एक है बीजेपी मोदी अमित शाह जो बोल रहे हैं और एक है जो आपके खिलाफ के लोग बोल रहे तो एक स्पष्ट पोलराइजेशन जो पहले कभी नहीं था वो अब स्पष्ट है 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 नहीं होना ही चाहिए तो आप मानते हैं ना कि देश न, मैं मैं, हुआ है। देश बटा बटा हुआ हुआ विचारों में, में दो विचार होना गलत बात मानते हैं आप क्या नहीं पहले ए, हिटलर का देश है क्या इंदिरा गांधी का देश है क्या देश में एक ही विचार रहेगा हम तो मानते हैं कई विचारों का सह अस्तित्व होना चाहिए हमने हमारा विचार जनता के सामने रखा है विरोधियों ने अपना विचार रखा है जनता को तय करना है कौन सा विचार अच्छा है ये देश इतनी हद तक देश का पोलराइजेशन आप एक नेता होने के नाते अच्छा मान रहे हैं? देखिए पोलराइजेशन किस सेंस में आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं ये इस पर आधार है दो विचारधाराएं होती है देश दो विचारधाराओं में अपना अपना मत व्यक्त करता है तो उसमें मैं तो कोई बुराई नहीं मानता सालों से हो रहा है पहले एक जमाने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हुआ करता था जनसंघ और कांग्रेस का हुआ करता था हमेशा से रहा है, मात्राएं बदलती रहती है समय के साथ अमित भाई ये इस इलेक्शन में आपके जो करियर है उसमें भी एक बहुत बड़ा फर्क आया है हम जनता को भी जानना है सबको जानने की इच्छा है कि ऐसी क्या बात हुई क्योंकि आप राज्यसभा में, में मेंबर थे आप इतनी सबसे बड़ी पार्टी के पावरफुल नेता भी हैं तो ऐसा क्या हुआ कि आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ना तय किया? ऐसा क्या है कि मैं न लड़ू आप मुझे बताइए आप राज्यसभा में थे। ऐसा है मैं जनता के बीच में से हमेशा सदनों में गया पांच बार अच्छे मार्जिन के साथ चुनकर गुजरात विधानसभा में गया जब मेरा विधायक का कार्यकाल समाप्त हुआ तब लोकसभा का इलेक्शन नहीं था इसलिए मैं राज्यसभा के माध्यम से देश की संसद में गया था अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है आप लोकसभा में गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी चौस आपके पास पूरा है। आप यूपी भी आ सकते थे उड़ीसा वेस्ट बंगाल काफी ऑप्शन थे आपके पास तो आपने एक एल के अडवाणी की साथ जुड़ी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी पसंद की तो आप कैसे देख रहे इस लिगेसी को क्योंकि जैसे एक जमाना था हम सब वाजपेयी अडवाणी साथ साथ बोलते थे पहले आप ये भ्रांति से निकल जाइए कि मेरी सीट मैं तय कर सकता हूँ मेरी सीट पार्टी तय करती है और गांधीनगर से मुझे लड़ना ये पार्टी का निर्णय है और मुझे गौरव है कि जिस सीट पर पुरुषोत्तम गणेश मावलंकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी जी सांसद रहे उस सीट पर से मुझे लड़ने का मौका पार्टी ने दिया है अगर जनादेश मिलेगा तो वो मैं वही सीट को रिप्रेजेंट करूंगा जिसको इतने बड़े बड़े नेताओं ने रिप्रेजेंट किया है आप उसको कितना सिंबॉलिक मानते हैं क्योंकि वाजपेयी हम साथ साथ बोलते थे और हमने वाजपेयी को साथ में काम करते हुए इस पार्टी में बहुत सालों तक देखा है अब मोदी शाह है तो आप कैसे वाजपेयी अडवाणी की जोड़ी और आपकी जोड़ी को कैसे कंपेयर करते हैं ऐसा है कि इस प्रकार से तुलना करना ठीक नहीं है क्यों अभी आपको जो मोदी सा मोदी सा दिखाई पड़ता है इसलिए दिखाई पड़ता है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ हमारे यहाँ आजीवन पार्टी के अध्यक्ष की परंपरा नहीं अध्यक्ष तो बदलेगा तो मोदी जी के साथ एक और नाम जुड़ जाएगा अडवाणी जी अटल जी के साथ ये तुलना करना मुझे लगता है उचित नहीं है एक बड़े कद के नेता थे जिन्होंने पचास सालों तक भारतीय जनता पार्टी को नर्स किया हम सबको बढ़ाए है आपने तो देखा है हमने तो इनके साथ काम किया है इनके हाथ के नीचे काम किया है तो इस प्रकार की तुलना कम से कम मुझे उचित नहीं लगती पर आपकी जिस तरह से पॉलिटिक्स है आपकी पर्सनालिटी है और आपकी जो पब्लिक परसेप्शन है वो अडवाणी से ज़्यादा नजदीक है ना अब वो तो आप लोगों ने आकलन करना पड़ेगा मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं मेरी अपनी पद्धति से काम करता हूँ मेरी पार्टी के सिद्धांत और मेरी पार्टी के आइडियोलॉजी के आधार पर काम करता हूँ अमित भाई आपको ये इलेक्शन में बीजेपी के अध्यक्ष हैं कौन सी चीज़ें प्लानिंग में एग्जीक्यूशन में इलेक्शन कैंपेनिंग में महत्व की लगी है कि जो पब्लिक से आपको रिस्पांस मिल रहा है उसमें जैसे आपके पंद्रह लाख रुपए की जो बैंक की बात है या अच्छे दिन वाली बात है या जॉब्स नहीं है उसकी जो इतनी चर्चा हुई और आंकड़े भी बता रहे हैं कुछ कुछ तो उसमें से कौन सी बात का रिस्पांस आपको क्या लगा कि जो बीजेपी को सूट नहीं करे ऐसी कौन सी बातें आई है बात देखिए हमने एक निर्णय करने वाली सरकार दी है हमने एक कठोर फैसले करने वाली सरकार दी है देश को सुरक्षित करने वाली सरकार दी है देश के अर्थतंत्र को ग्यारहवें नंबर से छठे नंबर पर ले जाने वाली सरकार दी है देश के अंदर पचास करोड़ गरीबों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने वाली सरकार दी है दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने वाली सरकार दी है और एक ऐसा नेता देने का काम किया है जिस नेता को देश की जनता उसकी राह सत्तर साल से देख रही थी तो मैं मानता हूँ कि पाँच साल में इससे ज़्यादा अच्छा शायद नहीं हो सकता था फिर भी कुछ कमियाँ रही होगी तो मेरा मानना है कि कमियों से हमारी उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा है और मैं आशा करता हूँ कि देश की जनता हमें फिर से एक बार काम करने का जनादेश देगी मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी आपको काफ़ी कांग्रेस पार्टी के लोग भी बताते हैं और काफ़ी क्रिटिक्स भी बताते हैं कि आपने अमित शाह ने बहुत आइडेंटिफाई कर दिया था अपने आपको चौदह में कांग्रेस मुक्त भारत में पर जब मध्य प्रदेश राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपकी हार हुई तो ये याद किया गया कि एक पॉलिटिक्स जो आपने चौदह में शुरू किया था उसमें आपको सफलता नहीं मिली चलिए, हो सकता है हमारी यात्रा लंबी हो तो आपको लग रहा है कि वो आपका एम अभी चालू है हाँ हाँ चालू देश को कांग्रेस कल्चर से मुक्त करना चाहिए आंतरिक लोकतंत्र वाली पार्टी आनी चाहिए करप्शन न करे ऐसी पार्टी आनी चाहिए शुद्ध रूप से देश का हित सोचने वाली पार्टी आनी चाहिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां नहीं होनी चाहिए और एक कांग्रेस संस्कृति अभी तो हर इलेक्शन में लोकसभा का इलेक्शन होता है तो एक चर्चा बहुत होती है कि इस देश की राजनीति दो कांग्रेस और बीजेपी पहले कांग्रेस और एंटी कांग्रेस कहते थे लेकिन आपको लग रहा है कि रीजनल ये इलेक्शन 19 का इलेक्शन आपको क्या दिखा रहा है बीजेपी और कांग्रेस ही रहेंगे या रीजनल पार्टीज भी रहेगी कैसा रहेगा माहौल तो रीजनल तो, पार्टीज का इम्पोर्टेंस आप आज की राजनीति में कितना मानते हैं ये तो परिणाम ही तय करेंगे जब परिणाम आएंगे पर आपको मेरा अनुमान करने का सवाल ही नहीं मैं चुनाव के मैदान में हूँ जनता के सामने मेरा पक्ष लेकर मेरी पार्टी का पक्ष लेकर जाता हूँ मेरे नेता के लिए जनता से मैंडेट लेने का मैं अपील करता हूँ तो परिणाम ही बताएंगे पर ये प्रोसेस आपको आपके अनुसार डेमोक्रेसी में रीजनल पार्टीज का होना और मजबूत होना जरूरी है देखिए किस प्रकार का वैक्यूम है इस पर निर्भर करता है और मुझे क्या लगता है इससे क्या मतलब है नहीं, देश की जनता क्या सोचती है इसका बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है आपको लग रहा है कि आप रीजनल पार्टी आपको ज्यादा परेशान कर रही है कांग्रेस पार्टी से इस बार के इलेक्शन में मैं तो किसी से परेशान नहीं हूँ आपका एक ही सवाल पांच बार पूछने से परेशान हूँ बाकी किसी से परेशान नहीं <laughs> नहीं आपको बीजेपी को चैलेंज तो दे रहे हैं ना लोग हाँ तो देना अच्छी बात है इसमें क्या परेशानी हो तो सकती चैलेंज तो होती है अभी मैं एक सवाल बहुत चर्चा में रहा राफेल का और उस मुद्दे को आपने जब चौकीदार चोर है उसको आपने अपना स्लोगन बना दिया और काउंटर अटैक किया पर आपको लग आप रहा है कि कांग्रेस की स्थिति भी उस सवाल को उठा के कुछ मजबूत भी बनी अनर्गल आरोप लगाने से किसी की स्थिति मजबूत नहीं होती है अगर उनके पास तथ्य है तो सारे तथ्य लेकर कोर्ट के सामने जाना चाहिए था सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आधार बगैर के आरोप लगाना ये कभी चिपकते नहीं है देश की जनता जरा भी आरोपों को मानती नहीं है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राफेल के सौदे में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का पूर्णतया पालन किया गया है किसी को भी एक पैसे का फेवर नहीं किया गया है ना इसमें फूटी कोड़ी का भी करप्शन है अमित भाई लोग बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जब लग रहा है कि शायद बीजेपी कुछ ऐसी पोजीशन में आ सकती है जिसमें कुछ बाहर की मदद थोड़ी वोट्स तीन चार स्टेट से जो आपके एन में नहीं है पर आके आप सरकार बना सकें एन सरकार बना सके एस, जब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ या आंकड़े आते हैं जो वोट हो हो जहाँ वोट हो वोटिंग हो चुका है तो तो लोग चिंता करते हैं कि पाँच साल से मुस्लिम्स लोग मार्जिनलाइज फील कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी टिकट देती नहीं और बीजेपी अगर ज़्यादा जीतती है जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में सेवेंटी वन सीट्स लाए थे जो ज़बरदस्त था ऐतिहासिक था पर उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था तो समझो कश्मीर छोड़ने के बाद लगभग हैदराबाद तक या गुजरात में ऑलमोस्ट मालदा बिहार की मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में न हो तो वो आपके लिए भी चिंता की बात मुझे है लगता है कि इतना कॉम्यूनल तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि हिंदू मुसलमान की चिंता नहीं करेगा वोटर वा, को और जनप्रतिनिधियों को हिंदू मुस्लिम में क्यों बांटते हैं हमारी संविधान की तो स्कीम नहीं है हमारी संविधान की स्कीम है हर एक की चिंता करें ये कि किसने सिखाया आपको कि हिंदू मुसलमान की चिंता नहीं करेगा मुसलमान हिंदू की चिंता नहीं करेगा हमारे संविधान की स्कीम ही यह नहीं है ना मतदाता को हिंदू मुस्लिम के आधार पर देखना चाहिए ना प्रत्याशियों को हिंदू मुस्लिम के आधार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर प्रपोशनेट रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में जरूरी नहीं आप रिजर्वेशन चाहती है नहीं मैं ये पूछती हूँ पार्टियां भी तो कास्ट और दलित के हिसाब से ओबीसी के हिसाब से आपने भी दी है टिकट ब्राह्मण के हिसाब से देते हैं मन दरवाजे में तो सब चर्चाएं होती है ना कि कौन विनिंग कैंडिडेट है आपका आप, पार्टी अपनी दृष्टि से विनिंग कैंडिडेट को टिकट देती है

अध्यक्ष बने आप बहुत आपकी पार्टी और सरकार दोनों मजबूत स्थिति में थी और क्योंकि आप बहुत सारे स्टेट्स भी जीत पाए थे महाराष्ट्र जैसा इंपॉर्टेंट स्टेट जीत के आए बहुत सारे जीत के आए तो उसके बाद एक आशा थी आप यंग नेता है पर आपने वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कोई महत्व की पहल नहीं करी हमारे पहल करने से कुछ नहीं होता जब सर्वदलीय पार्टी के मतलब सर्वदलीय बैठक में इस पर एक कॉन्स नहीं बनता है तब तक इस पर कुछ नहीं हो सकता जब जब विमन रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में आया हमने सब समर्थन किया मगर कुछ पार्टियों का इस पर अलग मत है तो हम कांग्रेस की तरह दरवाजे बंद कर कर वोटिंग नहीं करा सकते जैसे आंध्र के विभाजन में किया था पर आप यंग नेता है तो आप देश को सिर्फ पार्टी से ऊपर चढ़ के आपने कौन सा डिसीजन लिया आपने काफी कुछ सफलता मिली आपको पॉलिटिकल सफलता मिली आपको इलेक्ट्रोल सफलता मिली है देखिए मुझे लगता है कि जिसे आपका नेश बदला आपको सफलता को देखने के आपके चश्मे ठीक नहीं है देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आतंकवाद के मूल में घा करना देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से छठे नंबर पर ले आना 5 साल कंटीन्यूअसली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बनना देश के 50 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर जीवन स्तर के अंदर उठाव लाना ये सारा ही अगर आपको परिवर्तन नहीं वो तो सरकार है। का है मैं पक्ष का पूछ रहा हूँ तो पक्ष का क्या हो सकता है पक्ष की तो सरकार है सरकार किसकी है अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता चला रहे हैं अमित भाई आप अपनी सफलता में कोई एक बड़ी सफलता कौन सी मनाएंगे बताएं। आपने बहुत बताई भी भी तो आप, तो आप कुछ भी कहो पहली बार, बार बनेंगे ना अरे सुनिए भाई मेरी पार्टी में फैसले व्यक्ति नहीं करती पार्टी करती है और मेरे बारे में तो फैसला मैं कर ही नहीं सकता तो भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी वो फैसले के अनुसार होगा परंतु अभी मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ ये मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए बहुत गौरव और संतुष्टि का विषय है और मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ मुझे जो काम दिया गया है उससे तो इससे ज्यादा आकलन लगाने की अभी जरूरत नहीं है अमित भाई लास्ट क्वेश्चन आप हमेशा जीतने के लिए हमेशा आशावादी होते हैं पर इस बार आप लोग काफी चर्चा करते हैं वेव नहीं है पर शायद है 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 आपको क्या लग, रहा है? जिनको ऐसा लगता है, उन्हें 26 तारीख की राह देखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी, भी बढ़ेगी हमारे प्रत्याशियों के मार्जिन भी बढ़ेंगे और हमारे प्रतिनिधित्व वाला विस्तार भी एरिया भी बहुत बढ़ेगा तो छब्बीस तारीख तक राह देखिए अपने आप छब्बीस तारीख को दो बजे सबको जवाब मिल जाएगा थैंक यू थैंक यू फॉर टॉक